सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ये वैगनार चलती कैसे है। ये 2023 मॉडल है VXI, तो चलिए पेट्रोल 1 लीटर वाली, तो चलिए देखते हैं कैसे चलती है। तो गाड़ी पिकअप से बात करते हैं सबसे पहले। देखो पिकअप इसमें आपको मतलब एवरेज मिल जाएगा, ना आपको कुछ ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा ना ज़्यादा बेकार। मतलब जो क्लच सी उठ जाती है वैसे तो गाड़ी। अब जैसे मैं इससे पहले स्कूटर चलाता था तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम इसके बारे में, क्योंकि वो तो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये जिस प्राइस पॉइंट में आती है उसके हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कार है इन द सेगमेंट, क्योंकि इतना स्पेस और ऐसी राइड क्वालिटी आपको कोई गाड़ी नहीं देगी जितना ये वैगनार दे रही है। और चलने में देखो अब ये 60 पर चल रही है 5th गियर में। और अगर मैं एवरेज की बात करूँ ना इसका, मैंने इसमें अभी वैसे बता रहा हूँ, मैं ये कोई MID के थ्रू नहीं बता रहा आपको, जो एवरेज दे रही है ये मुझको दिया इसने 23.5 का, जिसमें ये 18 लीटर तेल में चल गई थी आपके, कम से कम 423 चल गई थी उसमें ये। फिर मैंने देखा था 23.5 का निकला था, जो कि काफ़ी सही था यार। अभी सर्विस करवाई है इसकी पहली, मैंने व्लॉग डाल रखा है, आपने देखा नहीं तो जाकर देख लेना, उसके बारे में बताया कि कितने रुपए लग गए थे मेरे। और देखो विजिबिलिटी के बारे में बात करें ना गाड़ी की, तो इतने बड़े तो आपको गिलास मिलते हैं और डैशबोर्ड भी आपको पूरा यहाँ तक मिलता है पूरा। और देखो साइड के भी गिलास काफ़ी बड़े हैं और ये जो पिलर आ रहा है इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ से आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है देखने के लिए, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और मिरर की बात करें साइड वालों की, ज़्यादा बड़े बोल सकते हैं ना ज़्यादा छोटे, देखो एवरेज साइज़ के बढ़िया बनाए गाड़ी के हिसाब से। और देखो टर्निंग रेडियस भी मैं लिख दूंगा नीचे कितना है इस गाड़ी का, और अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ और ये चल चुकी है 1230। पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लें। ऐड हुआ ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का, ये सबसे बढ़िया फीचर लगा मुझे इस गाड़ी में, क्योंकि ना इससे क्या है, जैसे आप सपोज कीजिए आप ट्रैफिक लग रहा है, ट्रैफिक जाम है आगे, तो उसमें ये ऐसा काम करेगा जैसे आप खड़े हो गए हो, क्लच में से निकाल ली गाड़ी और ये अपने आप बंद हो जाएगी। कितनी देर के लिए? ये होती है आपकी 1.5 मिनट के लिए बंद हो जाती है, 1.5 मिनट के बाद ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने नहीं करोगे। और ये बंद कब होगी? ऐसे नहीं होगी बंद की ये ऑन रहेगा हमेशा, आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, सीट बेल्ट लगाने के बाद ही ये बंद होगी। अगर आपकी सीट बेल्ट लग रही है तो ये बंद हो जाएगी। अभी मैं गांव वाली सड़क पर था इसलिए सीट बेल्ट मैंने भी लगा रखी थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं लगा रहा हूँ सीट बेल्ट, अब देखना ये जैसे मैं इसको रोकूंगा, अब मैंने सीट बेल्ट लगा ली है तो आप देखना, अब मैं इसको रोकता हूँ जैसे पीछे कोई नहीं है, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जैसे मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो मैं इसको न्यूट्रल कर लूँगा ना, न्यूट्रल कर लिया मैंने बिल्कुल, अब और अब देखना ये बंद हो जाएगी अपने आप। ये है एक सिंबल आ जाएगा, देखो ये इसका आ गया आइडल स्टार्ट स्टॉप का। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्लच दबाऊँगा ना तो आप देखना ये हो गई स्टार्ट। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। और ये ऐसा नहीं है कि जाम में चलते हैं ना, जैसे मैं यहाँ तक चलूँगा, अब थोड़ा सा आगे को दिखाता हूँ मैं, चलो आपको जैसे मैं यहाँ तक चलूँगा और अब अगर आप दोबारा जाम में फंसते हैं तो ये दोबारा भी बंद हो जाएगी, जैसे यहाँ तक आ गए हम, आप देखो दोबारा बंद हो जाएगी, ये होगी बंद। तो काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे इसमें, ये आपका माइलेज बढ़ाएगी ऐसे, और एवरेज भी ठीक है यार। CNG भी इतनी ऊपर जा रही है आजकल और पेट्रोल भी इतना ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और CNG पे आपकी गाड़ी की लाइफ कम होती है और पेट्रोल पे तो ज़्यादा है ही लाइफ आपकी। और जी कुछ कमी मैं बताता हूँ आपको इसकी, इसमें जो आपको मिलता है ना AC, हालांकि अब तो सही काम कर रहा है जैसे सर्विस करवाई है, अब जैसे पीछे गर्मी पड़ी थी ना काफ़ी, तो इसका AC मुझे ऐसे लगा कि यार जैसे अगर आप चलाओगे इसको पूरा लगभग इसमें 4 मिलते हैं ना, 4 फंक्शन फैन के, जैसे आप चलाते हो उसको 1-2 पे, तो सामने वाले को जो 2 पैसेंजर अगले उनको तो बिल्कुल चिल करता है, पर पीछे वाले को शिकायत रहती है कि भाई AC तेज कर दे, गाड़ी का AC तेज कर दे। 4 पे करोगे तो ज़्यादा आवाज़ करता है, हालांकि 4 पे करता है कूलिंग बढ़िया पीछे वालों के लिए, तो बट चलो कोई नहीं, छोटी गाड़ी है ठीक है उसके हिसाब से। और पिकअप ठीक है, मतलब गाड़ी का बढ़िया पिकअप है समझ लीजिए, सेगमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया पिकअप है। उसको पंजे दबाता हूँ ना तो देखो आप एकदम चलती है ऊपर को सुनिए। तो पिकअप ठीक है गाड़ी का, ये जो आपका ओवरटेक बहुत आराम से कर लेती है, ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है इसको। अब देखो जैसे मैं इसको 100 भी खींच दूंगा ना, कोई सड़क खाली है जब भी कर रहा हूँ मैं ये, तो ये आपकी 100 भी चली जाएगी बड़े प्यार से। मंदी कर लेता हूँ मैं, चलो
ब्रेक देखूँ थोड़े से, मैं देखो ब्रेक भी इसके काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के, काफ़ी सही ब्रेक हैं गाड़ी के। जब भी तो ये गाड़ी ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि भाई इस गाड़ी में आपको सब कुछ मिल जाता है। इसमें आपका स्पेस हो गया, देखना आप कितना स्पेस है, मेरी 5 फुट 10 इंच हाइट है, उसके बाद भी इतना स्पेस मिल रहा है मुझे हेडरूम में, बहुत बढ़िया स्पेस है। और इसमें ना 5 लोग तो बहुत आराम से बैठ जाते हैं, अगर आप जैसे कहीं शादी में जा रहे हो, जाते ही सब लोग जैसे शादी में, तो उसमें 6 भी हो जाते हैं, तो 6 लोग भी बहुत, मतलब ऐसे नहीं कह सकते इतने बढ़िया तो बैठ नहीं पाएंगे, पर हाँ मतलब चल जाएगा काम, इतना स्पेस है। पीछे 4 लोग आ जाते हैं बड़े प्यार से, बच्चे तो आ जाते हैं 4। और मैं हम गए थे शादी में एक जगह वैगनार से, तो बढ़िया स्पेस है यार, अब किस सर तो कभी टकराया गए नहीं, कितने से बड़े बड़े से आदमी बैठा लेना। इसके हैंडलिंग के बारे में बात करूँगा, मुझे याद आ गई, हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहीं। पहले क्या था ना वैगनार का जो स्टेयरिंग था, वो मतलब जैसे आप घुमाओगे वो सीधा नहीं होता था, पर इस वाली का ये 2023 वाले मॉडल में आपका जो स्टेयरिंग है ये सीधा हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखना ये काटा मैंने और ये छोड़ दिया, देखो ये आ गया अपना आप आ जाता है ये, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको कि ये नहीं आ रहा, देखो ये आ गया। तो ये पहले थी दिक्कत, पर मारुति ने कब काम किया है, 2023 वाली में तो दिक्कत है नहीं, पहले ये शिकायत रहती थी कि इसका स्टीयरिंग सीधा नहीं आता, फीडबैक अच्छा नहीं है, तो अब इसका फीडबैक अच्छा है, थोड़ी ज़्यादा तेज चलाते हो थोड़ा इसमें आपका वेट आ जाता है। और बहुत जल्दी इसकी एक माइलेज टेस्ट की वीडियो भी आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, सपोर्ट कीजिए यार, आपकी वजह से चैनल शुरू किया है मैंने ये। निकल जाओ भैया, तुम निकल जाओ, ये भैया को ज़्यादा जल्दी है जाने की। अगर मैं आपको आपका माइलेज दिखाऊँ ना, इसमें कितना दे रही है, मैंने रीसेट कर दिया था जब चलने से पहले, तो ये दिखा रही है आपका 23.7। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है एवरेज लेना, क्योंकि ना अगर आप ज़्यादा वेस्ट चलाओगे गाड़ी रह तो उतना ही कम देगी, पर मैं तेज चलाता हूँ, बिल्कुल मतलब नॉर्मल चलाता हूँ मैं गाड़ी, 23.7 का दे रही है इस वक्त, और ये 23.7 का दिखाई नहीं रही है, दे भी इतना ही रही है समझ लीजिए आप, 23.5 का मैंने लिया था इससे अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बता दिया था वो तो। और जो इसके आपको सस्पेंशन मिलते हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छे से गड्ढे को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि आपको अंदर फील नहीं आ पाती ज़्यादा कि गड्ढे में गई है गाड़ी। तो देखना जैसे आप थोड़ी चढ़ाई है, फ्लाई ओवर है, तो देखो फर्स्ट गियर लगाता हूँ मैं गाड़ी में, क्लच से उठाऊंगा, देखो ये उठ जाएगी बड़े प्यार से, देखो क्लच छोड़ रहा हूँ मैं इसमें, मेरा एक पैर अलग है, देखो ये उठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ये काफ़ी चढ़ाई है, देखो आप ये चढ़ गई। चलो मैं पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, अब कभी आप लोग ही होते हो फिर वो जो कहते हैं भाई सीट बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट सेफ्टी भी के लिए ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है यार ये, अगर आप इसमें सीट बेल्ट नहीं लगाओगे ना तो आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते, जैसे आपको सेटिंग चेंज करनी है कुछ, तो पहले वो कहेगा कि सीट बेल्ट लगाओ आप, उसके बाद चलाना इसको। जैसे मैं हाईवे पे हूँ, थोड़ा मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ कि पिकअप कैसा है इस गाड़ी का। अब देखो थर्ड गियर में अगर आप इसको वैसे चलाओगे बहुत गंदे तरीके से, तो पिकअप तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा इसका। अब देखो पूरी रोड खा ली है जैसे, अब फिफ्थ लगा लिया मैंने इसका, अब इसमें इसमें खींचता हूँ, और तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 80, 90, 100 तक भी पर लास्ट, क्योंकि छोटी गाड़ी है, बॉडी रोल इसमें आपको खूब मिलता है गाड़ी में, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है ये बॉक्स डिज़ाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 80, 90 तक तो बहुत प्यार से चला लोगे इसको आप, आपका पूरा साथ देगी है गाड़ी, पूरा कॉन्फिडेंस देगी आपका ये। अब देखो बहुत ही बढ़िया चल रही है ये गाड़ी, सब कुछ दिख जाता है बढ़िया क्लियरली, और देखो ये 100 भी करके दिखा देता हूँ मैं आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो ठीक है, तो भाई एक ही डेमो था मेरा बस ऐसी, आप 80-90 चलाए तो ज़्यादा बढ़िया है गाड़ी को, मैं तो इतनी चलाता हूँ बस, जब ज़्यादा एवरेज निकालता हूँ मैं।
आप 80-90 चलाएं बस, इससे ऊपर तो मैं भी नहीं कहूँगा। हाईवे पर 80-90 बहुत है ये स्पीड।